एक व्यक्ति काफी समय से परेशान था, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा। वह इस बात से परेशान था कि उसे घर का सारा खर्च उठाना पड़ रहा था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। उसके यहाँ कोई न कोई रिश्तेदार आता जाता रहता है। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वह बहुत परेशान रहता था। इसी मानसिक तनाव के कारण वह अक्सर बच्चों को डांटते रहते हैं। उसका अपनी पत्नी से ज्यादातर किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। एक दिन उसका बेटा उसके पास आया और बोला, पापा मेरे स्कूल का होमवर्क करवा दो। वह व्यक्ति पहले से ही तनाव में था, इसलिए उसने अपने बेटे को डांट कर भगा दिया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो रहा था और उसके हाथ में उसकी होमवर्क कॉपी थी। उसने कॉपी देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नजर होमवर्क के शीर्षक पर पड़ी। होमवर्क का शीर्षक वह था जो हमें पहले पसंद नहीं था, लेकिन बाद में वह अच्छा निकला। बच्चे को एक लिखना था इस शीर्षक पर। अनुच्छेद उसने क्या लिखा, जिज्ञासावश उसने बच्चे का लिखा पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा, मैं अपनी अंतिम परीक्षा के लिए बहुत आभारी हूं, क्योंकि पहले तो यह अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बाद स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि शुरुआत में तो यह मुझे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन बाद में यह मेरी बीमारी को ठीक कर देता है। मुझे सुबह जगाने के लिए मैं उस अलार्म घड़ी को धन्यवाद देता हूं। वह हर सुबह मुझे बताता है कि मैं जीवित हूं। मैं भगवान को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे इतना अच्छा पिता दिया, क्योंकि शुरू में मुझे उनकी डांट बुरी लगती थी, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते थे, मुझे घुमाने ले जाते थे और अच्छी चीजें खिलाते थे, और मुझे खुशी है कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं हैं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति उठा तो अचानक उसका मन बदल गया। बच्चे द्वारा लिखे गए शब्द उसके दिमाग में बार बार घूम रहे थे, खासकर उसकी आखिरी पंक्ति ने उसकी नींद उड़ा दी। फिर वह व्यक्ति चुपचाप बैठ गया और उसने उसकी परेशानियों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। मुझे घर के सभी खर्चों का ध्यान रखना है। इसका मतलब है कि मेरे पास एक घर है और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूँ जिनके पास घर नहीं है। मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब है कि मेरा एक परिवार, एक पत्नी और बच्चे हैं, और भगवान की कृपा से मैं उन लोगों से अधिक भाग्यशाली हूँ जिनके पास परिवार नहीं है और वह दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। कोई ना कोई दोस्त या रिश्तेदार मेरे घर आते रहते हैं। इसका मतलब है कि मेरी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है और मेरे पास मेरे सुख दुख बांटने के लिए लोग हैं। ये सब विचार आते ही उसने हाथ जोड़ लिए, आकाश की ओर देखा और कहा, हे भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे खेद है कि मैं आपकी कृपा को नहीं पहचान सका। उसके बाद उसका मन एकदम बदल गया। उसकी सारी परेशानियों और चिंताएं मानो दूर हो गईं। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह दौड़कर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को अपनी बाहों में ले लिया और उसका माथा चूम लिया और अपने बेटे और भगवान को धन्यवाद देने लगे। हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जब तक हम उन्हें नकारात्मक दृष्टि से देखते रहेंगे तब तक हम मुसीबत में रहेंगे, और जैसे ही हम उन चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, हमारा मन एकदम बदल जाएगा। हमारी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारे तनाव तुरंत खत्म हो जाएंगे और हम मुसीबत से बाहर निकलने के नए रास्ते देखना शुरू कर देंगे। किसी ने क्या सुंदर शब्द कहे हैं, जो लोग फूल देखना चाहते हैं उनके लिए हमेशा फूल होते हैं। महाभारत के एक संवाद में मृत्यु के बाद सबसे बड़े दानवीर कर्ण की आत्मा ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म के समय छोड़ दिया था, क्या यह मेरा पाप था कि मैंने एक नाजायज संतान के रूप में जन्म लिया? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, क्या यह मेरी गलती थी? परशुराम ने मुझे शिक्षा दी और सभी ने मुझे शराप दिया कि मैं अपनी शिक्षा भूल जाऊंगा, क्योंकि वह मुझे क्षत्रिय मानते थे। गलती से एक गाय मेरे तीर के रास्ते में आ गई और मर गई, और मुझे गांव के लोगों का शराप मिला। मुझे द्रौपदी के स्वयंवर में अपमानित होना पड़ा क्योंकि मेरे साथ किसी भी राज परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था। यहां तक कि मेरी मां कुंती ने भी स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया था कि मैं उनके अन्य पुत्रों की रक्षा के लिए एक पुत्र हूं। मुझे जो कुछ भी मिला वह दुर्योधन की कृपा से मिला। तो क्या यह गलत है कि मैं दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी का ऋणी हूं?
श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, कर्ण मैं पैदा होने से पहले जेल में पैदा हुआ था। मेरी मौत कंस मामा के रूप में मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात में पैदा हुआ उसी रात मैं अपने माता पिता से अलग हो गया था। तुम्हारा बचपन घोड़ों की हिनहिनाहट और धनुष बाणों वाले रथों की छाया में व्यतीत हुआ। मैंने बचपन में गायें चराई और गोबर उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था, मुझ पर कहीं कहीं जानलेवा हमले होते थे। न सेना, न शिक्षा, न गुरुकुल और न महल, मेरे मामा मुझे सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जब आप सबकी प्रशंसा होती थी आपकी बहादुरी के लिए आपके शिक्षक और समाज से, उस समय मेरी शिक्षा भी नहीं हुई थी। बहुत समय बाद मुझे आर्षी सांदीपनी के आश्रम में जाने का अवसर मिला। कम से कम आपको अपनी पसंद की लड़की से शादी करने का मौका तो मिला। वो राधा भी न मिली जो मेरे प्राणों में बसती थी। मुझे इसे छोड़ना पड़ा। मुझे उन राजनीतिक कारणों से या उन महिलाओं के साथ कई शादियां करनी पड़ी जिन्हें मैंने राक्षसों से मुक्त कराया था। जरासंध के आतंक के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से एक सुदूर प्रांत में ले जाना पड़ा और उन्हें समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर, धोखेबाज कहा। दुर्योधन जीत जाता तो जीत का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध को जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। कौरवों ने अपनी हार के लिए मुझे जिम्मेदार माना। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से मुक्त नहीं है। हर किसी के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है। समस्या केवल यह है कि हर कोई अपनी समस्या को सबसे बड़ा मानता है। क्या सच है, क्या उचित है, यह हम अपनी आत्मा की आवाज से निर्धारित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ गलत व्यवहार किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारा अपमान किया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन सभी से कैसे निपटते हैं। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचते हैं उनके जीवन में कई परेशानियां कम हो जाती हैं। ऐसे में हमारे नकारात्मक विचार हमारे काम को बिगाड़ सकते हैं। इसके लिए हमें हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। इस संबंध में एक लोक कथा के अनुसार एक गांव में दो आर्षी एक छोटी सी कुटिया में एक साथ रहते थे। दोनों सुबह सुबह अलग अलग गांवों में जाकर भिक्षा मांगते हैं और फिर झोपड़ी में लौट आते हैं और फिर दिन भर हनुमान का नाम जपते रहते हैं। भीख मांगकर उनका जीवन चल रहा था। एक दिन वे दोनों अलग अलग गांवों में भीख मांगने निकले। शाम को दोनों वापस आए तो उन्हें पता चला कि गांव में तूफान आया है। पहले संत अपनी कुटिया पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आंधी के कारण कुटिया आधी टूट गई है, उसकी त्योरी छड़ गई और भगवान को कोसने लगे। संत ने सोचा कि मैं रोज मंदिर में भगवान का नाम जपता हूं, दूसरे गांव में चोरों और लुटेरों के घर सुरक्षित हैं और हमारी झोपड़ी तोड़ दी। हम दिन भर पूजा करते हैं लेकिन भगवान को हमारी कोई परवाह नहीं है। ये भगवान कितना क्रूर है। वे हम जैसे भक्तों को दुख और दुष्टों को सुख देते हैं। कुछ देर बाद एक अन्य संत भी वहां पहुंचे। उन्होंने टूटी झोपड़ी भी देखी। ये देखकर वह बहुत खुश हुआ और अपना सिर जमीन पर रखकर भगवान को धन्यवाद देने लगा। संत बोले, हे भगवान, आज मुझे विश्वास हो गया कि आप सचमुच हमसे प्रेम करते हैं। हमारी भक्ति और आराधना व्यर्थ नहीं गई। आपने इतने भीषण तूफान में भी हमारी आधी झोपड़ी बचा ली। हम आपकी झोपड़ी में आराम कर सकते हैं। आज से मेरा विश्वास और अधिक बढ़ गया है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर स्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नकारात्मक विचार मानसिक तनाव बढ़ाते हैं और हम अच्छी चीजें भी नहीं देख पाते। और सकारात्मक सोच की शक्ति दिखाने के लिए एक और कहानी सुनिए। एक शहर में एक अमीर व्यापारी रहता था। एक दिन वह व्यापारिक यात्रा पर गया। रास्ते में घना जंगल था जिसे पार करके उसे अपनी मंजिल तक पहुंचना था, लेकिन इसलिए वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। आराम करते समय उसे प्यास लगी, लेकिन वह पानी नहीं लाया। वह सोचने लगा कि मेरे पास कुछ पानी है ताकि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। जैसे ही उसने ऐसा सोचा तभी एक चमत्कार हुआ और पानी से भरा एक घड़ा उसके सामने प्रकट हो गया। उसके बाद उसने पानी से अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर बाद उसे भूख लग गई, लेकिन उसके पास खाना नहीं था। उसने खुद से कहा कि कितना अच्छा होगा अगर मुझे एक प्लेट में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो मेरी भूख खत्म हो जाएगी। बात करते समय उसके साथ फिर से चमत्कार हुआ और विभिन्न व्यंजनों से भरी थाली सामने आ गई।
उसने पेट भर खाना खाया और फिर सो गया। उसने अपने मन से कहा कि मैं इस पत्थरीली जमीन पर कैसे सोऊंगा, काश कोई नरम बिस्तर होता। पलक झपकते ही एक आरामदायक बिस्तर उसके सामने आ गया। वह उस बिस्तर पर लेट गया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह स्वर्ग में है, जहां उसकी सभी इच्छाएं एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। वह इस बात से अनजान था कि जिस पेड़ के नीचे वह लेटा है वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक कल्पित वृक्ष है जो सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखता है। बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक उसके मन में एक विचार आया। यह जंगल कई तरह के जंगली जानवरों से भरा होगा जो किसी भी वक्त वहां हो सकते हैं, ऐसे में वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाएंगे। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, अचानक से एक खूंखार शेर वहां आ गया। वह शेर को अपने सामने देखकर पूरी तरह से भयभीत हो गया कि वह बच भी नहीं सका। शेर ने उस पर हमला किया और उसे मारकर खा गया। इस प्रकार एक नकारात्मक विचार ने उसकी जान ले ली। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य अपने विचारों से प्रभावित होता है। सकारात्मक विचार हमेशा सकारात्मक परिणाम देते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। गौतम बुद्ध ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति पहले से ही हमारी है। हम ही हैं जो अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। और जहां तक खुशी की बात है तो यह कोई खुशी नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने कार्यों से आता है। दोस्तों, इन चार कहानियों से आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं।